हेलो एवरीवन आप सब लोग का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे और आज हम जो डिस्कशन चल रहा है कंटिन्यूसली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके केस ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोवाइड करने वाले जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सीरीज में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रैफिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अभी इससे पहले हमने साइट्स पे स्टडी करा था साइट्स के बाद ट्रैफिक पे स्टडी करेंगे ट्रैफिक और साइट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बस दोनों का काम एक है जस्ट कह सकते हैं एक दूसरे के पैरल कंप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रैफिक क्या है वाट इज़ ट्राफिक देखते हैं ट्राफिक का जो फुल फॉर्म है जिसे हम इसका जो अब है वो क्या है देखिए ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ये इसका फुल फार्म होता है और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1979 में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसके बारे में कि ये एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो वाइल्ड लाइफ जो मॉनिटरिंग करने के लिए डेडिकेट है जो वाइल्ड लाइफ के फील्ड में हो रही है अब हम ये देखते हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से इसका क्या रिलेशन है सबसे पहले ये जो ट्रैफिक है ये डब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और आई का एक अलायंस है स्ट्रेटजिक अलायंस है जो इसके लिए प्लानिंग करता है ठीक है उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक अब साइट्स भी हमने ये बात बताई कि वाइल्ड लाइफ की जो ट्रेड होता है उसे कंजर्व कर उसके फील्ड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है सेम बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री टू साइट्स ठीक है अब साइट्स जैसे एक कन्वेंशन है एक एग्रीमेंट है बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ठीक है जैसे बताया कि सबसे लार्जेस्ट मतलब एग्रीमेंट है बिटवीन दी जो ग्लोबल कंट्रीज हैं वन एट्टी थ्री कंट्री, कंट्री साइट्स में आई थी उसी तरीके से सेम वही काम ट्रैफिक करता है बट ट्रैफिक जो है एक एनजीओ है एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके का ग्लोबल लेवल पे जो काम करता है सेम भाई बाइल्ड लाइफ एंड प्लान जैसे कि आपने साइट्स में पढ़ा था बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम दी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ट्रैफिक इंगेज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन इस तरीके से करेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बना रहे ठीक है अच्छा बायोडावर्सिटी जो बाइल्ड लाइफ जो ट्रेड है उसकी हम पोजिशन जानते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट आपके क्यों हो जाता है जैसे कि आपने देखा होगा ड्रग्स का वेपन्स का ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके बाद बाइड लाइफ की पोजीशन आती है फोर्थ पोजिशन पर है ये बाई लाइफ ट्रेड पहला ड्रग्स का आता है दूसरा वेपन्स का और तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके बाद बाइड लाइफ ट्रेड इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर जो मतलब ट्रेड है वो फोर्थ नंबर पे आता है इम्पॉर्टेंट इसके बाद हम फिर एन की इस बात कर लेते हैं ट्रैफिक ट्रैफिक एक ग्लोबल हमने बताया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च ड्राइव इन एक्शन ओरिएंटेड एंड कॉमिटेड टू डिलीवरिंग इनोवेटिव एंड प्रैक्टिकल कंजर्वेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल जिन्हें कहना चाहिए एनालिटिकल टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च करता है आप इसके बहुत सारे हम आपको एट्रीब्यूट्स बताएंगे जैसे कि इसका जो काम होता है आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से कि देखें समरी में अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो रिसर्च एनालिसिस गाइडेंस एंड एंगेजमेंट इस तरीके का काम करता है इट इन्वेस्टिगेट द एनालिसिस क्या ट्रेंड क्या है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा है एनिमल और प्लांट का उसका ट्रेंड क्या है पैटर्न क्या है इम्पैक्ट क्या है उसके और उसके ड्राइवर्स उसे कौन फोर्स कर रहा है किस कैसे वो बिजनेस इतना तेज़ी से ग्रो करता चला जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे उन चीज़ों का एनालिसिस करता है रिसर्च एंड एनालिसिस मतलब रिसर्च ओरिएंटेड और उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ऑफ़ वाइल्ड लाइफ ट्रेड टू प्रोवाइड लीडिंग नॉलेज बेस ऑन द ट्रेड इन दाइल्ड लाइफ कंप्लीटली मतलब एनिमल एंड प्लांट्स क्लियर तो ये काफ़ी सिस्टमेटिकली है और इसके जो फील्ड्स की हम बात करते हैं दोबारा से अब आपको यहाँ पे तीन बातें पता लगें कि साइट्स के पैरल है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स और एक मॉनिटरिंग नेटवर्क है और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आई यू सी एन का ये कैलेबोरेटिव मतलब स्ट्रेटिक अलाइंस है गठबंधन है ठीक है साइट्स अपने आप हाँ में कन्वेंसन है ट्रैफिक जो है कि एन जी ओ है बस दोनों का काम क्या है सेम काम है अब हम इसे ये देखते हैं कि कौन सी बॉडी से ऑर्गेनाइज करती है कौन सी अथॉरिटी बॉडी है कौन कंट्रोल करता है तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ और आई यू सी एन ठीक है इन दोनों की कंट्रोल से ये ट्रैफिक चलता है ठीक है अब ट्रैफिक का जो वर्क होता है अब साइट्स इसका क्या रिलेशन है देखिए साइट्स भी एक अपने आप हाँ में काम करता है सेम कई काम भाई इसका है अब डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड आई यू सी एन इसके मेन जो होल्डर अथॉरिटीज़ हैं बट ट्रैफिक का कहीं ना कहीं जो कॉपरेट करता है साइट के साथ क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है तो ट्रैफिक एंड साइट्स आपस में मिलकर काम करते हैं कॉपरेट टू इच अदर टू कंट्रोल द ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इसके जो स्टाफ इस में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मतलब बायोलॉजिस्ट कंजर्वेशनिस्ट इकनमिक्स एंड रिसर्चर कम्युनिकेटर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स के मतलब टीम वर्क में आते हैं अब एक वन लाइन में इसकी बात करें तो इसका जो ट्रैफिक का 2020 के लिए जो गोल है वो क्या है रिड्यूसिंग दी प्रेशर ऑफ इन एंड अनसस्टेनेबल ट्रेड एंड एनहांसिंग बेनिफिट्स टू कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग ठीक है ये इसका 2020 के लिए इसका गोल है मोटो की बात करें इसका तो ये क्या कहता है कि इनहान्स बेनिफिट फ्रॉम द सस्टेनेबल एंड लीगल ट्रेड के थ्रू बेनिफिट्स बढ़ें जो लीगल ट्रेड हो वो करना चाहिए और सस्टेनेबल वे में हो सस्टेनेबल वे का मतलब कि बायोडावर्सिटी जो कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए बायोडावर्सिटी कंजर्व रहे विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें हमें ये इसका मतलब है कि ट्रेड को मना नहीं करता इसी तरीके से अगर हम इसके मिशन की बात करें तो मिशन में इसके हम क्या बात कर सकते हैं देखिए

ए बी सी जो हमने बताई थी मतलब अपेंडिक्स फर्स्ट अपेंडिक्स सेकेंड अपेंडिक्स थर्ड उनमें जो जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चले ये कम्प्लीटली बैन की बात नहीं करता है उनके बेनिफिट्स उनसे निकालने की बात करता है विदाउट हार्मिंग कंजर्वेशन प्लाब ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचर कंप्लीटली ठीक है तो ट्रैफिक का फुल फार्म आम जाना किसका ऑर्गेनाइजेशन है कि आई यू सी एन एंड डब्लू डब्ल्यू के थ्रू करता है साइट्स के साथ भी कॉपरेट करता है अब इसका जो इंटरनेशनल लेवल जो ग्लोबल इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो आपका कैम्ब्रिज यूके में है ठीक है अब हम बात करते हैं इंडियन सीनेरियों की बात करते हैं कि इंडिया में साइट्स का क्या प्रोग्राम है सॉरी जो हमारा ट्रैफिक है उसका इंडिया में क्या काम है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इसे कंट्रोल करता है तो हम उसकी बात कर लेते हैं तो इंडिया में डब्ल्यू जो आपका हेड क्वार्टर्स न्यू दिल्ली है इसका उसके साथ ये जो है इंडिया में रेगुलेट होता है मतलब डब्ल्यू इंडिया जो है उसके अंदर न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर्स है और इसके अलावा अगर ग्लोबल लेवल बात करें तो इसके फिफ्टीन रीजनल ऑफिस भी हैं जो कि अफ्रीका एशिया यूरोप अमेरिका एंड ओसीनिया ऐसी प्लेसेस पे हैं जो बहुत ही स्ट्रेटिक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस के प्लेस वापस के कुछ सब ऑफिस भी हैं क्वार्टर्स के अलावा ठीक है अब एक आता है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम इनिशिएटिव ये प्रोग्राम जो है हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये ट्रैफिक और डब्लू डब्लू एफ़ देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ और आई यू सी एन का प्रोग्राम तो ट्रैफिक है ठीक है जो क्या करता है मॉनिटरिंग करता है इंटरनेशनल जो क्रॉस बॉर्डर जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसका अब वाइल्ड लाइफ क्राइम इनिशिएटिव की बात करें तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एंड ट्रैफिक का एक जॉइंट इनिशिएटिव है एक कलेबोरेटिव इनिशिएटिव है लॉन्ग टर्म टू सपोर्ट द अर्जेंट गोल एफर्ट टू टैकल द पोचिंग क्राइसिस बाई टारगेटिंग ऑल पॉइंट्स अलॉन्ग विद दाइल्ड लाइफ ट्रैफिक चैन पूरी चैन पर काम करना है कि कहाँ से पूरा सोर्सेज क्रिएट करना है कि क्यों इतना जो ट्रेड है कॉन्ट्री बढ़ता चला जा रहा है और किस तरीके से इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन प्लान ठीक है अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं तो फंक्शन जैसे आपने देखा होगा कि इट हेल्प इन द दोलूशन ऑफ इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो होता है उस ट्रेडीज और ज्यादा संबंध बढ़ें इस तरीके कई सारी ट्रेडी इस्ट जिससे ये कंजर्व किया जा सके उसके बाद इट फोकस ऑन लिबरेज रिसोर्स एक्सपर्टाइज एंड अवेयरनेस ऑफ द लेटेस्ट ग्लोबली अर्जेंट स्पीसीज ट्रेड इशूज सच एट टाइगर के पार्ट्स जो एलिफेंट इवोरी का हो रहा है इन पर डिस्कस करना कि इनका ट्रेड क्यों कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है अच्छा लार्ज स्केल कॉमर्शियल ट्रेड इन कम्यडिटीज लाइक टिम्बर एंड फिशरीज़ प्रोडक्ट्स आर आल्सो एड्रेस इनके थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कोई एड्रेस करता है टाइगर वगैरह के अलावा ये जो फिशरीज़ और टिम्बर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी मतलब ट्रेड को कंट्रोल करता है रेगुलेट करने की बात करता है देखिए सेवेंटी नाइन में तो ये मतलब ट्रैफिक जो था बन गया था अब इंडिया ने इसका जो मतलब अपना एक डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया जो है इसके तहत एक प्रोग्राम डिवीजन स्टार्ट किया और वो किया था नाइनटीन नाइन्टी वन ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं इंडिया में ट्रैफिक के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जैसे कि स्टडी ऑन लिपॉड एंड टाइगर पॉइचिंग के बारे में पोइचरा फीदर ट्रेड पिकॉक के जो फीजर्स होते हैं ठीक है डायनामिक्स ऑफ हंटिंग कम्युनिटी के बीच जो एक बनाया जाए क्योंकि डायनमिक्स बना रहे कि मतलब इस तरीके से मतलब हंट किया जाए कि कम्युनिटी जो एनिमल स्पीसीज हैं जो बायोडावर्सिटी है जो फ्लोरा है फोन है उन्हें मेनटेन रहे और जो ट्रेड ट्रेड इन मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करता है और जो हमारे जो बेबीज होते हैं मतलब बर्ड्स होते हैं उनके ट्रेड के बारे में भी कंसल्ट करता है ऐसा नहीं कुछ स्पेसिफिक एनी वाले प्लांट दोनों के फील्ड में काम करता है अब हम बात करते हैं इसके कुछ अपने इनिशिएटिव जो इन्हें इंडियन परपेक्च में जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंडिया है वो ट्रैफिक को किस तरीके से यूज़ करता है उसने कुछ अपने प्रोग्राम चलाए थे उनके बारे में बात कर लेते थे डोंट बाई ट्रेवल इस बना दें ट्रैफिक इंडियाज़ फर्स्ट कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम था इसी तरीके से इसका एक प्रोग्राम था जो कि एयरपोर्ट टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन जगहों पे ये इंप्लीमेंट किया गया था इसके बाद बॉटेड ए लाइव ठीक है कि ज़िंदा रहना चाहते हो इस तरीके का प्रोग्राम भी था ये आपकी लेटेस्ट कैंपेन है जो कि फोर एशियन बिग कैट जो हमारी है ना टाइगर लिपाड स्नो लिपॉड एंड क्लाउडेड लिपाड के बारे में बान्टड एलाइव इन्हें कि आप जिंदा देखना चाह भी रहे हो ये तो खत्म हो जाएंगे इनके बारे में है उसके बाद ये बात करें तो ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम है इसका इंटरनेशनल जो कोलेब्रेशन होता है कि इन्हें किस तरीके से फाइट किया जा सके इस पर भी काम करता है ये इंडिया में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडियन सिनेरियो में ट्रैफिक का जो सिग्निफिकेंट वर्क है वो है क्या इनने सब साउथ एशियन कंट्रीज़ को कलेक्ट किया एक प्लेटफॉर्म पर लाया ठीक है और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क जिसे हम सवेन बोलते हैं ठीक है और इसका जो सवेन जो बना था ये बना था भूटान का सिटी है एक टाउन है पैरो वहाँ पे इसकी वो हुई थी बाई दी गवर्नमेंट ऑफ रॉयल जो गवर्नमेंट ऑफ भूटान उसके थ्रू 2011 में सवन जो था एग्जिस्टेंस में आया था तो इस तरीके से आप देखते हैं कि साइट जैसा काम कर रहा है सेम वही काम एक एन कर रहा है साइड्स एक एग्रीमेंट है डिफरेंट कंट्रीज गवर्नमेंट के बीच में और जो आपका ट्रैफिक है वो एक एन के थ्रू वही काम करा जा रहा है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना कोई डिफरेंस की बात है सेम काम टू डिफरेंट बॉडीज़ के थ्रू एक एग्रीमेंट एक्टिविटी के थ्रू करा जा रहा है और एक एन के थ्रू करा जा रहा है और जो ट्रैफिकिंग का जो अथॉरिंग बॉडी है वो आपका डब्ल्यू और आई का एक कोलेबरेटिव एफर्ट है ठीक है इसके बाद ऐसा नहीं अब साइट से बिल्कुल ये अलग डिफरेंट हो डिफरेंट नहीं है साइट्स का ही काम करता है तो उसके भी हेड ऑफिस या उस साइट्स के कंट्रोल में उससे कॉपरेट करता है क्योंकि मकसद एक है तो कॉपरेट करने में कोई वो दोनों बॉडी जो है मिल काम करती हैं क्योंकि टारगेट सेम है टू कंट्रोल द वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड्स होता है उसे कंट्रोल करना होता है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1979 में हुआ था हेड क्वार्टर्स आपका यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज में है इंडियन में इसका अगर बात करें तो डब्ल्यू डब्लू एफ इंडिया इसे रेगुलेट करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में न्यू दिल्ली में है ठीक है इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में समझ में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हमें अगर जो मेन बात है यही पता चल जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक क्या है तो ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ नाइन फ्लोरा इन कामर्स इस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन अपने आप में क्या है एक मॉनिटरिंग नेटवर्क है ख़ुद में एक लेवल जो है एन जी का है कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज करती है डब्ल्यू डब्लू एफ एंड आई यू सी एन के थ्रू ये मतलब ऑपरेट किया जाता है अब साइट से इसका क्या संबंध है साइट इसका संबंध ये कि साइट्स और ट्रैफिक का दोनों का काम एक है एक एन है दूसरा है कन्वेंशन है ठीक है ग्लोबल लेवल पर काम करता है और काफ़ी क्रिटिकल एनालिटिक टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनालिटिक रिसर्च और उसके प्रैक्टिकल सोलूशन तलाशने की बात करता है ठीक है तो गाइस इसके साथ आप इसे देखें और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन का एम सीरीज़ में डाल दूंगा जिससे कि ये पूरी तरीके से आपका टॉपिक जो है कवर अप हो जाए कोई भी प्रॉब्लम ना रहे इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप कि कंप्लीट जो वीडियो है आपको एंजॉय करा होगा आपने और कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ठीक है हेलो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट